हेलो भिवाड़ी स्कूल सीरीज के आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज जिस स्कूल के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है बहुत खास। खास इसलिए क्योंकि इस स्कूल में कहीं के भी बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, चाहे वो इंडिया के किसी भी कोने में रहते हों। और सबसे बड़ी बात, आपके बच्चों की पढ़ाई का सालाना खर्च होगा लगभग 28,000 रुपए। तो हुई ना ये खास बात। इस बारे में जानने के लिए और बात करने के लिए हमारी टीम पहुंच गई साइबोर्ड स्कूल के ऑफिस में। साइबोर्ड जो है ना वो एक जर्नी है, फ्रॉम अ ब्लैक बोर्ड टू अ ग्रीन बोर्ड टू अ स्मार्ट बोर्ड टू अ साइबर बोर्ड, एंड दैट इज हाउ साइबोर्ड इज बॉर्न। साइबोर्ड एक वर्चुअल स्कूल है। ये वर्चुअल सुनने में ना थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। The vision that we have with Cyborg School is that we literally want to bring the best handpicked teachers that are available in the country, the latest pedagogies and curriculums, and bring them all together in a seamless manner for each and every child. Har ek bacche ke paas us level ki education pahunchani hai aur us level ki schooling pahunchani hai जो सिर्फ और सिर्फ आज की डेट में टीयर वन्स के सबसे प्रीमियम स्कूल्स में मिलती है। और ये एजुकेशन कितनी ही कोशिश कर लें आपको टीयर वन्स में ही बहुत जगह नहीं मिलेगी, टीयर टू और टीयर थ्री की बात तो आप छोड़ ही दीजिए। सो साइबोर्ड एक सपना है इंडिया को बेटर यूथ देने का और बहुत अच्छी शिक्षा देने का। दैट इज व्हाट साइबोर्ड स्टैंड्स फॉर। तो सर हमारे ऑडियंस का आई गेस एक क्वेश्चन और होगा कि इतने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं लाइक बायजूस, वेदांतु, तो आप लोग कैसे अलग हैं? निशी, मैंने आपको जैसे अभी बताया वी आर अ स्कूल, सो बायजूस और वेदांतु की जब हम बात करते हैं तो वो सारे सप्लीमेंट्री एजुकेशन, यानी कि आपको स्कूल भी करना है और उसके बाद ये करना है। तो हम बेसिकली स्कूलिंग को ऑल टुगेदर रिप्लेस कर रहे हैं एक तरीके से विद एन ऑनलाइन स्कूल। तो अब आपको डबल खर्चा करने की जरूरत नहीं है। आप अपने स्कूल पे जो खर्चा करते थे बस आपको वो हटा के, बल्कि जो हमने पैसे सेव करा दिए वो करने हैं, और एक्स्ट्रा ट्यूशंस पे भी आपको कोई फोकस या कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं। सो वी आर अ प्रॉपर स्कूल विद अ प्रॉपर टाइम टेबल। ओके, दैट्स अमेजिंग। So sir, you come up with the concept of virtual schooling. So can you just share your ideas and thoughts behind this initiative? Yeah, thanks Nishi for this question. See, mere hisab se it is not about virtual school or physical school or regular school. Har school regular school hai, hamara bhi regular school hai. It's more about aapko achhi shiksha kahan mil rahi hai. There are some of the best schools that are there in the country. Aap wahan acha pad rahe hain. बट आप देखिए भारत में इतनी पॉपुलेशन है जिसको एक अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाती। अच्छा स्कूल पास नहीं है शायद, स्कूल पास है लेकिन उसमें अच्छी टीचर्स नहीं है शायद, दोनों है लेकिन उसकी फीस में शायद नहीं अफोर्ड कर सकता। कोई भी कारण हो सकता है जिस वजह से उस बच्चे को या उन पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही, हम उन तक पहुँचना चाह रहे हैं। तो इट इज़ नॉट अबाउट चूजिंग कि मैं फिजिकल स्कूल या वर्चुअल स्कूल, इट इज़ अबाउट चूजिंग कि मेरे को स्कूल में अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही तो मैं कहीं भी बैठे इंडिया के किसी भी कोने में घर बैठे बैठे वो एजुकेशन ढूंढ सकता हूँ और मुझे वो पढ़ाई के लिए कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। सो सर, पेरेंट्स का एक मेजर कंसर्न होता है कि उनके बच्चों का स्क्रीन टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाता है, तो हाउ डू यू थिंक आप उसको सही कर सकते हैं या फिर विजुअलाइज कर सकते हैं? यस, दिस इज डेफिनेटली अ बिग अप्रिहेंशन। सब बोलते हैं स्क्रीन टाइम, वैसे भी कोविड आने के बाद बहुत बड़ा बजवर्ड हो गया है, उससे पहले शायद लोग बात नहीं करते थे इसके बारे में। बट सी, मैं ये नहीं कहूँगा कि ऑनलाइन क्लास है तो स्क्रीन टाइम नहीं है, बट उसको कैसे अकोमोडेट किया जा सकता है, कैसे हैंडल किया जा सकता है, इज वॉट वी हैव वर्क ऑन। वी हैव वर्क विद लॉट ऑफ ऑप्टोमोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स, साइकोलॉजिस्ट कि क्या स्क्रीन टाइम का कितना इम्पैक्ट बच्चे पे है। अगर आप देखेंगे तो हमने क्लासेस भी ऐसे स्ट्रक्चर करी कि हर 40 मिनट की क्लास के बाद 20 मिनट का ब्रेक है, तो ऐसा नहीं है कि बच्चा 6 घंटे लगातार स्क्रीन के सामने है, उसको अप्रोप्रिएट ब्रेक दिया जा रहा है। टीचर्स बच्चों को आईज की एक्सरसाइजेस कराती हैं सो दैट दैट ब्रेक इज देयर, एंड इफ यू एक्चुअली गो टू अ गुड ऑप्टोमोलॉजिस्ट और अ साइकोलॉजिस्ट, दे विल से, दे विल ऑल्सो टेल यू कि स्क्रीन टाइम इज वन स्मॉल कॉम्पोनेंट बच्चों की आईज पे इफेक्ट पड़ने के लिए, इट इज़ नॉट दी ओनली रीजन।
बच्चे का खाना पीना, उसकी हेल्थ, उसकी इमोशनल स्टेट, ये सब भी मैटर करता है। एंड इसमें मैं निशी एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा एक्चुअली। क्या होता है स्क्रीन टाइम जो टर्मिनोलॉजी है ना, आइडियली इट्स नॉट स्क्रीन टाइम, इट्स दैट ब्लू लाइट। अब आप ब्लू लाइट, तो फॉर दैट मैटर मैं एक छोटा सा एग्जांपल हूँ, यहाँ पर एक जो लाइट कैमरे के साथ भी लगाई जाती है उसमें भी ब्लू लाइट आ रही है, जो सन रेज है उसमें भी ब्लू लाइट आ रही है, आपके टीवी के अंदर से भी ब्लू लाइट आ रही है, आपके ट्यूब लाइट तक में से भी ब्लू लाइट आ रही है। सो प्रॉब्लम क्या है, वो स्क्रीन टाइम के अंदर ना उस सारे को पैकेज कर दिया गया है कि ये स्क्रीन टाइम ही है सारा कुछ जो भी है, बट देयर आर मेनी कॉजेज ऑफ दोज ब्लू लाइट्स एंड इट्स ऑल अबाउट प्रोडक्टिव स्क्रीन टाइम रादर देन स्क्रीन टाइम। तो हम बच्चों के स्क्रीन टाइम को प्रोडक्टिव बना रहे हैं ताकि शाम को उनके पास इतना समय बचे कि वो ट्यूशन से फ्री हो, सब चीज़ों से फ्री हो और अपने एक्स्ट्रा करिकुलर्स के ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान दें, अपने पैशंस को इस लेवल तक बिल्ड करें कि उन्हें चूज ना करना पड़े कि हम एकेडमिक्स में जा रहे हैं या पैशंस में जा रहे हैं, वो दोनों काम साथ कर सकें। वो है ऑनलाइन स्कूल का मेन यूटिलाइजेशन। सो सर, फिजिकल स्कूल में जैसे बच्चे आपस में इंटरैक्ट करते हैं, उनकी एक्टिविटीज आपस में डिवाइड होती हैं, तो आप वर्चुअल स्कूल में ऐसा कैसे कर पाएंगे, लाइक पीयर टू पीयर कनेक्शन कैसे आप बिल्डअप करेंगे बच्चों में? सुनिशि, बहुत अच्छा हुआ आपने सवाल पूछा, और रादर कहीं ना कहीं इसका जवाब जो है ना वो मैंने अभी जो बोला उसके अंदर छुपा हुआ है। सो बेसिकली क्या होता है, जब हम पीयर टू पीयर कनेक्ट की बात करते हैं ना, हम सोचते हैं कि पीयर टू पीयर कनेक्ट सिर्फ और सिर्फ एक स्कूल के अंदर होता है। नहीं, आप उस कोविड के माइंडसेट से बाहर निकलिए, जब पीयर टू पीयर कनेक्ट हर शाम आपके गली, मोहल्ले, सोसाइटी के अंदर हर दूसरे बच्चे से होता है जो उस सोसाइटी में उस जगह पे रहता है। ये तो चलो हुई शाम को उन बच्चों से मिलने की बात। दूसरा है जो मैंने आपको कहा, पैशन बिल्डिंग, या कोई भी अगर स्पोर्ट्स में जाता है या कहीं भी जाता है, आप अकेडमी जाएंगे या किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में जाएंगे, क्या पीयर एंड पीयर टू पीयर कनेक्ट वहाँ नहीं होता? रादर यू मीट मोर लाइक माइंडेड पीपल। अब चलिए वापस आ जाते हैं अपने ऑनलाइन स्कूल के ऊपर ही। हमने इस तरीके से अपनी ऑनलाइन स्कूल को प्लान किया हुआ है कि हम हर महीने बच्चों को आपस में सिटी लेवल पे मिलवाते हैं। लेकिन मैं सब लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि हमारे को पीयर टू पीयर कनेक्ट सिर्फ और सिर्फ एक फिजिकल स्कूल के उस दायरे में नहीं मिलता जहाँ टीचर बल्कि बोलती है शुश चुप हो जाओ। नहीं, वो पीयर टू पीयर कनेक्ट नहीं है। पीयर टू पीयर कनेक्ट असली वहाँ है जहाँ बच्चे आपस में घुलते मिलते हैं, और वो घुलना मिलना सिर्फ स्कूल की उन चार दीवारियों के अंदर सीमित नहीं है, वो कहीं भी हो सकता है और आज भी होता है। मेरे कितने ही दोस्त ऐसे हैं जो शायद मेरे स्कूल में थे ही नहीं, वो दूसरे स्कूल में पढ़ते थे, बट हम शाम को क्रिकेट साथ में खेलते थे, हम बैडमिंटन खेलने साथ में जाया करते थे, वहाँ पर मिलते थे। सो दैट इज अ वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ पीयर टू पीयर कनेक्ट, जहाँ बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही सीखते हैं और दोस्त बनाते हैं। इस पर एक चीज़ मैं ये ऐड करना चाहूँगा, जब आप एक फिजिकल स्कूल के पीयर टू पीयर कनेक्ट की बात करते हैं, आपका कनेक्ट का दायरा भी उसी रेडियस में है जिस रेडियस के बच्चे वहाँ आ रहे हैं। भिवाड़ी की अगर बात करें तो मेरे दोस्त भिवाड़ी, ज़्यादा से ज़्यादा रेवाड़ी और तावड़ू के होंगे। भिवाड़ी के स्कूल में दिल्ली से कोई बच्चा नहीं पढ़ने आ रहा, भिवाड़ी के स्कूल में चेन्नई से कोई बच्चा नहीं पढ़ने आ रहा होगा, मेरे स्कूल में इंडिया के हर कोने से बच्चे पढ़ रहे हैं। एक ही क्लास में एक बच्चा शायद हिमाचल प्रदेश का होगा, एक चेन्नई का होगा, एक मुंबई का होगा, एक जम्मू कश्मीर का होगा। वो जब दोस्त बनेंगे, क्योंकि हम अपने सिस्टम के अंदर सोशल नेटवर्किंग वगैरह सब कुछ ऐड कर रहे हैं, जैसे पुराने, अगर मैं अपने आप को पुराने ज़माने का ही बोलूँगा, पेन पैल्स हुआ करते थे, उस टाइम हम चिट्ठियाँ लिखा करते थे, मैगी के लेटर्स आते थे, उनको लिखा करते थे। इट इज़ अनदर वे ऑफ क्रिएटिंग फ्रेंड्स। वील मेक श्योर दैट दे मीट थ्रू पिकनिक्स, थ्रू कैंप्स। हम फिजिकल कैंप्स अरेंज करेंगे 7 दिन के, 15 दिन के फॉर सीनियर क्लासेस। दैट इज़ व्हेन दे विल मीट एंड देन दे विल चेरिश कि मेरा जम्मू से एक दोस्त आया था, मेरा बॉम्बे से एक दोस्त आया था, वो आज हमें लोकल स्कूल में नहीं बोल सकते। सो द डेफिनेशन विल चेंज, उसके अपने अलग फायदे हैं, इसके अपने अलग फायदे। सो सर, विच करिकुलम साइबोर्ड फॉलोज एंड फ्रॉम वेयर यू गाइस आर अफिलिएटेड? सो करिकुलम की जहां तक बात है, तो हमारा सारा का सारा जो करिकुलम है वो CBSE के और नेशनल फ्रेमवर्क जो है NFC उसके साथ अलाइंड है। और इसके अंदर जो हम एक अलग चीज करते हैं वो ये है कि हम CBSE के करिकुलम को लेते हुए उसमें जो IB के अंदर हैंड्स ऑन लर्निंग और एक्सपीरियंशियल लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स को फॉलो किया जाता है, हम उन पेडागॉजीज को यूज़ करते हैं। तो हम हैं तो CBSE से अलाइंड इन टर्म्स ऑफ करिकुलम,
बट हम जो पेडागॉजी फॉलो करते हैं वो बहुत ज़्यादा हैंड्स ऑन है। ये तो हुई अपनी करिकुलम की बात। अब आते हैं अफिलिएशन पे। हालांकि अफिलिएशन देखा जाए तो अब धीरे 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 अफिलिएशन के मायने बहुत कम होते जा रहे हैं। हमने अफिलिएशन अप्लाई किया हुआ है ऑलरेडी एंड वी गेट इन इन सम टाइम, दैट इज समथिंग डिफरेंट। बट मैं सिर्फ अपने श्रोताओं के और आपके श्रोताओं के जानकारी के लिए ये बताना ज़रूर चाहता हूँ, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET के आने के बाद अब आपको किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर अगर एडमिशन लेना है तो आपको उसका एंट्रेंस टेस्ट मैंडेटरली देना पड़ेगा। तो अब चाहे वो CBSE की मार्कशीट हो, चाहे RBSE की मार्कशीट हो, चाहे NIOS की मार्कशीट हो, उनके मार्क्स का कोई खास रेलेवेंस नहीं है। इट्स जस्ट दैट यू हैव क्लियर्ड योर 12th बोर्ड्स। सो बेसिकली अब वो सारी चीज़ों से वैसे भी हमारी सरकार ने लोगों को अलग कर दिया है, क्योंकि वो बोर्ड्स को धीरे धीरे डाइल्यूट करना चाहते हैं और सबको एक इंक्लूसिव सिस्टम के अंदर लेना चाहते हैं, और इसीलिए अब CUET आया है। तो ये हमारे एफिलिएशन की कहानी। थैंक्स फॉर गिविंग दिस ह्यूज इन्फॉर्मेशन। तो अभी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि साइबोर्ड स्कूल कौन से ग्रेड तक है और क्या फी स्ट्रक्चर है हमारा? निशी जी, ये हमारी ना USP है। हालांकि हम इसको USP की तरह यूज नहीं करते, बट वी आर वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल स्कूल, आई वुड पुट इट दैट वे, जो प्रीमियम स्कूलिंग देते हैं। फॉर ग्रेड्स 1 and 2 वी चार्ज अप्रॉक्सीमेटली 28,000 रुपीज फॉर द एंटायर ईयर। आपने सही सुना है, फॉर द एंटायर ईयर। मैं आपको मंथली फीस, एनुअल फीस, ये सारी चीज़ें नहीं बता रहा, मैं पूरे साल की फीस बता रहा हूँ। ग्रेड 1-2 का बच्चा हमारे पास लगभग 28,000 रुपये साल के देता है। एंड अभी हम फिलहाल ग्रेड्स नर्सरी टू 7th तक ऑपरेट कर रहे हैं और हम हर साल ग्रेड्स ऐड करते जा रहे हैं। सो वी आर अ K-12 वर्चुअल स्कूल एडिंग ग्रेड्स एवरी ईयर। वाओ सर, दैट्स अनबिलीवेबल। मतलब बेसिक से बेसिक स्कूलों में भी इससे तो ज्यादा ही फीस होती है। सो आई जस्ट वांटेड टू नो अबाउट द बुक्स चार्जेस। जी नहीं, कोई बुक फी नहीं है। दिस 28,000 इज इंक्लूसिव ऑफ बुक्स एंड इट्स नॉट जस्ट बुक्स। हम एक बॉक्स ऑफ फन भेजते हैं जिसके अंदर वर्कबुक्स, कॉपीज, यहाँ तक कि क्राफ्ट का सामान भी होता है, और वो हर बच्चे तक उसके घर पे पहुँचाया जाता है। अब आप एड ऑन कॉस्ट की जो बात कर रहे हैं, बल्कि ये बताता हूँ कौन सी कॉस्ट बच जाती हैं। किसी बच्चे को कोई ट्रांसपोर्ट की फ़ीस नहीं देनी पड़ रही है, कोई यूनिफॉर्म की फ़ीस नहीं देनी पड़ रही है, कितने सारे छोटे छोटे एड ऑन कॉस्ट होते हैं जो लग जाते हैं स्कूल के अंदर, लंच बॉक्स, वाटर बॉटल, वो सारे कॉस्ट यहाँ पर हमारे अवॉइड हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें एड ऑन नहीं बल्कि सेविंग्स हैं। तो अब आप सोचिए, एवरीथिंग इंक्लूडेड इन जस्ट दैट 28,000 और प्रोबली व्हाट 35,000 फॉर सीनियर ग्रेड्स और 40,000 फॉर द अपर ग्रेड्स, बट उसके अंदर सब शामिल है, एवरीथिंग। तो सर, किसी भी स्कूल का जो मेन पिलर होता है वो होती हैं टीचर्स, राइट? सो आप साइबोर्ड में टीचर्स के बारे में क्या बताना चाहेंगे? यस मिशी, टीचर्स तो डेफिनेटली नो वन कैन डिनाई, दे आर द पिलर ऑफ एनी स्कूल। और अगर हम जितने सीनियर ग्रेड्स में आते आते हैं, स्कूल टीचर्स से डिफाइन होने लग जाता है। सो दैट इज डेफिनेटली व्हाट वी हैव आल्सो स्पेंट आवर बेस्ट टाइम ऑन। दो मेजर फंडामेंटल्स हैं जो हमारे में अलग हैं। एक तो हम टीचर्स वो हायर करते हैं जो ऑनलाइन पढ़ा सकें, बिकॉज कभी कभी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर जो एक फिजिकल क्लास में बहुत अच्छा होगा, शायद ऑनलाइन बच्चों की अटेंशन ग्रैब नहीं कर पाए, बिकॉज ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाना, उनकी अटेंशन बनाए रखना 40 मिनट तक एक अलग आर्ट और एक अलग स्किल सेट है। तो आर टीचर्स हैव टू गो थ्रू अ वेरी रिग्रेस इंटरव्यू प्रोसेस ऑफ डूइंग इवन डूइंग डेमो क्लासेस कि वो बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा पा रहे हैं नहीं। मोर देन कम्स द क्रेडेंशियल्स इन द बैकग्राउंड ऑफ द टीचर्स। मोस्ट ऑफ आर टीचर्स आर लाइक्स ऑफ XTPS, XLotus Valley, XSunCity, शिवनागर, श्री राम स्कूल। सो द टीचर्स दैट वी हैव कम फ्रॉम द बेस्ट ऑफ द बेस्ट बैकग्राउंड, बेस्ट ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस। आर प्रिंसिपल मिसेस सुप्रीत कौर comes with almost 15 years of academic experience, not just as a teacher, but as a curriculum creator, as a teacher trainer. Our advisor, Dr. Madhuri Parthi, comes with 30 years of education experience, has been instrumental in setting up Lakshmipati Singhania schools, then Educom, Exceed. So the experience that we bring in, again, jaise Rajat ne bhi pehle bola, quality education, hum jitna kuch ek single platform pe la pa rahe hain, and I'm not just talking about academic teachers, dance, music, art and craft, theater, ye sab bhi cyborg mein cover hota hai.
कोडिंग लैंग्वेजेस यू टॉक अबाउट एनीथिंग वी हैव एवरीथिंग सो जितनी फॉरेन लैंग्वेज के ऑप्शन मैं दे पा रहा हूं उतना यूजुअली कोई स्कूल नहीं दे पाएगा सो दैट्स व्हाई द एक्सटेंसिविटी ऑफ द कवरेज द क्वालिटी ऑफ द टीचर्स बीइंग एन ऑनलाइन स्कूल माय एबिलिटी टू हायर a teacher from anywhere in the country we have teachers not just from delhi ncr from mumbai from hyderabad from bangalore because wahan unka wo expertise tha hame wo acha laga to koi bhi achhi teacher hame kahin bhi mil rahi hai hum unhe is platform pe la sakte hain to jo bacche ko access mil raha hai wo best of the best education ka mil raha hai and to reemphasize us cost pe mil raha hai jo abhi rajat ne bataya isme na ek chhota sa ek vakya yaad aa gaya जब हम वो पीयर टू पीयर कनेक्ट की बात कर रहे थे या करिकुलम की बात कर रहे थे या पेडागोजीज की बात कर रहे थे मैं आपको अपने क्लास का एक सीन बताता हूँ जहाँ पर पैलीज पढ़ा रही हैं टीचर और हमारा एक बच्चा जो हिमालयाज में बैठा हुआ है आज जो लद्दाख से पढ़ रहा है वो अपना लैपटॉप बाहर लेके गया और उसने वादियाँ वहाँ पर दिखाई लाइव अपने दोस्तों को सारों को आप वो एक्सपीरियंस सोच रहे हैं हम आज एआर वीआर की बात करते हैं लेकिन उसके बिना ही यहाँ पर आपको वो लाइव एक्सपीरियंस मिल रहा है That is what we give at Cyborg. ये मिलता है teachers तो है ही है but वो जो experience मिलता है ना that is out of the world. वो एक different experience है. Amazing. तो इतना सब जानने के बाद तो अब I guess parents के मन में एक ही question होगा कि इसमें admission कैसे लें. तो आप मुझे just procedure बता दीजिए अब. Admissions are on and they are on right now. आपको कुछ नहीं करना है हमारी वेबसाइट पे जाना है www.cyborgschool.com या फिर इस नंबर पे कॉल करना है जो आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है और आपको तुरंत कॉल बैक आ जाएगा हमारे किसी भी एडमिशन काउंसलर का एंड दिल मेक द इंटायर प्रोसेस इजी फॉर यू. तो सर आप दोनों ही भिवाड़ी से बिलोंग करते हैं एंड आई गेस आपकी स्कूलिंग भी भिवाड़ी से हुई है तो आउट ऑफ द क्यूरियोसिटी मैं ये जानना चाहती हूँ आपको ये स्कूल रन करते हुए 2 साल हो गए हैं और अभी तक आपने कोई एडवर्टाइजमेंट भिवाड़ी में नहीं किया इसका कोई रीजन? तो ऐसा कोई खास रीजन नहीं है कि हमने भिवाड़ी को टारगेटेड छोड़ा सिंस ये एक ऑनलाइन स्कूल है और इसी उद्देश्य से स्टार्ट हुआ था कि इट शुड कवर एनीवन एंड एवरीवन इंडिया हम नेशनल लेवल पे मार्केटिंग कर रहे थे और इसलिए शायद हमारे पास पूरे देश के ऑलमोस्ट 300 शहरों से बच्चे हैं इस साल हमने ये सोचा कि जहाँ से हम हैं जहाँ से हमारी सारी अपब्रिंगिंग है सारी एजुकेशन है जिस शहर ने हमें इतना कुछ दिया और हमने उस एंड मेक दम मोर एंड मोर अवेयर कि भिवाड़ी से निकले हुए लोगों ने ही एक नेशनल लेवल पे इतना बड़ा स्कूल खड़ा कर लिया है तो भिवाड़ी के लोग भी उसका फ़ायदा उठाएं और जाने कि हाँ जी कहीं से भी कुछ शुरू हो सकता है ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ दिल्ली में होना ज़रूरी है बॉम्बे में होना ज़रूरी है भिवाड़ी के से जो बच्चे निकले उन्होंने भी कुछ किया है जो सबके काम आ रहा है सो आई वुड से दैट इज़ द प्राइमरी रीज़न. सो अब जब आपने ये पूछ ही लिया तो मेरा सिर्फ और सिर्फ सारे भिवाड़ी वालों से जो हमारे घर वाले ही हैं प्रैक्टिकली उनसे इकलौता यही निवेदन है कि आप आराम से वट एवर यू थिंक अपना टाइम लीजिए रिसर्च कीजिए जो कीजिए बट इस मुहिम में जो हमने शुरू की है जो हम एक स्कूलिंग के अंदर पूरा रेवोल्यूशन लाने की कोशिश कर रहे हैं हर बच्चे तक वो अच्छी पढ़ाई पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं आप प्लीज़ उस मूवमेंट का पार्ट बने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाएं कि अब एक ऐसी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है. थैंक यू सो मच सर आपने इतनी नॉलेज दिया आई गेस हमारी ऑडियंस को कुछ बातें तो पता ही नहीं थी एंड आपके इस इनिशिएटिव से हमारे भिवाड़ी को ज़रूर कुछ फ़ायदा होगा. थैंक यू सो मच निशी. अधिक जानकारी के लिए आप साइबोर्ड स्कूल की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है. तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले एपिसोड में और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.